हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूँ दिया। एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और उसके बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियोस। सो आज का जो वीडियो है वो मेबेलिन क्रोम हाइलाइटर का रिव्यू है। सो बहुत दिनों से मुझे लोग बोल रहा था कि आप हाइलाइटर का रिव्यू करो, तो मेरे पास जो है, मतलब जितना भी है उसमें से मुझे सबसे बेस्ट दो लगे, मतलब दो हाइलाइटर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है मेबेलिन का क्रोम हाइलाइटर। तो इसका दो शेड है, एक है मॉल्टेन गोल्ड एंड एक है मॉल्टेन रोज़ गोल्ड। सो मेरे पास जो है वो है मॉल्टेन गोल्ड। सो ये है, अच्छा मैं पिकअप को दे दूँगी, ठीक है। तो ये है मॉल्टेन गोल्ड। सो इसका जो प्राइस है ये है 550, बट मैंने इसको ऑफ़र पे लिया था नायका से बहुत दिन पहले, मतलब 3-4 महीने तो हो ही गए हैं, बहुत यूज़ किया। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इसको हिट कर दी, लिटरली हिट कर दी, देख सकते हो आप, मैं बहुत ही ज़्यादा पेन को हिट कर दिया एंड बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया मैंने इसको। तो आपको स्वाचेस भी दिखा देती हूँ। पहले आते हैं इसका जो पैकेजिंग, ये एक मतलब इसका जो पैकेजिंग है बहुत ही क्यूट है, एकदम छोटा, एकदम को लॉक टाइप ऑफ पैकेजिंग है इसका। तो देन आता है इसका जो प्राइस, आपको बोल ही दिया मैंने 550, तो आप ऑफ़र पे ले सकते हो, नायका पे अवेलेबल है, अमेजोन पे है, पर्पल पे है, बहुत सारे वेबसाइट है अभी अवेलेबल है, तो आप चेक कर सकते हैं। एंड बहुत ही अफोर्डेबल, मतलब बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हाइलाइटर है। ये एक मेटालिक हाइलाइटर है एंड इसका जो क्वांटिटी है मैं ढूंढ रही हूँ बट मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ। ओके, मैं इसका जो वेट, मतलब जो क्वांटिटी है वो है 6.7 ग्राम। तो इसका प्राइस भी अच्छा है क्योंकि हाइलाइटर काफ़ी मतलब हाई एंड प्रोडक्ट, मतलब हाई बजट पे होता है, बट ये 550 के अंदर और आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो आप डिस्काउंट के लिए वेट कीजिए थोड़ा सा, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए, इसका जो स्वाचेस है मुझे काफ़ी पसंद है ये, और मुझे और एक है मेरे पास, उसका भी मैं आपको बाद में आपको रिव्यू करूँगी, तो वो मुझे बहुत ही पसंद है, तो आपको दिखाती हूँ पहले। तो आपको एज ए हाइलाइटर भी यूज़ करना है ऐसा कोई बात नहीं है, तो आप इसे एज ए आई शैडो भी यूज़ कर सकते हो। मैं कभी कभी करती हूँ, ऐसे आई शैडो यूज़ करती हूँ हाइलाइटर को। एंड इसका जो स्वाचेस है मैं उसको पहले दिखाती हूँ, देखिए अब पिगमेंटेशन देखिए। सो आपका जो पिगमेंटेशन है, तो इसका आप पिगमेंटेशन देख ही सकते हो कितना, मतलब एक एकदम बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगी। एंड इसका जो हाइलाइटर का, काफ़ी हाइलाइटर का क्या होता है, पाउडरी हो जाता है, मतलब पाउडरी सा उसका फॉर्मूला होता है, बट ये पाउडरी नहीं है, ये एकदम क्रीमी टाइप ऑफ हाइलाइटर है। एंड आप देख सकते हो कि इतना, मतलब आई जस्ट लव दिस, देख सकते हो, मैं आपको फेस पे करके दिखाती हूँ। तो मैंने एक ब्रश लिया, तो मैं आपको दिखाती हूँ, बिट सब देख सकते हो, वाह कितना ज़्यादा मतलब चमक रहा है, हम देख ही सकते हो, देखिए ये देखिए, इसमें हाइलाइटर मैं नहीं लगाई हूँ। सो देखिए वो लुक एट द ग्लो, वाह मैं इधर भी थोड़ा सा लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे हाइलाइटर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वाओ बहुत ही प्रिटी है, सो मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करती हूँ। बजट, ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है, सो आप ले सकते हो, आपका बजट है 500 तो आप ले सकते हो। एंड उसके अंदर भी मैं अफोर्डेबल वीडियो, मतलब अफोर्डेबल हाइलाइटर वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बट
ये अब ग्लो देखो, तो मुझे हाईलाइटर लगाने के बाद ना मेरे अपने आप से प्यार हो जाता है, तो मैं बार बार ऐसे ऐसे देखती हूँ आईने में, तो अभी मैं कैमरा में दिख रहा हूँ मेरे फेस को, तो मैं इसको ज़रूर 100% 200% आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। तो ये था मेरा रिव्यू, एंड इसका जो क्वांटिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, मतलब एक हाईलाइटर आपको आसानी से 2 ईयर्स तक चल जाएगा, बहुत ही, मतलब आप खुद के लिए यूज़ करो तो, क्योंकि हम लोग रेगुलर थोड़ी यूज़ करते हैं इसको, तो आपको आसानी से, मतलब आप इन्वेस्ट करो तो थोड़ा सा ज़्यादा देके इन्वेस्ट करो ताकि आपको ये फ़ायदा हो, एंड ये एक बहुत ही अच्छा मैं बोल सकती हूँ, तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करती हूँ। तो आज के लिए बाय बाय, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ज़रूर ले आऊँगी कि अफोर्डेबल हाईलाइटर में आप कौन सा आपके, मतलब आप कौन सा ले सकते हो। तो आज के लिए बाय बाय।